नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अप्रैल और हफ्ते का दिन है। मैं हूं आपका मेज़बान शकील नाइक। सबसे पहले हम आपको अहम खबर बता रहे हैं, लेकिन नादरीन आज चूँकि ईद उल फितर का दिन है, तम पाकिस्तान समेत जनूब एशिया और पूरी दुनिया के आलम इस्लाम को ईद उल मुबारक कबूल हो। नादरीन, जैसा कि ईद के मौके ईद के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 27 अप्रैल को ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो इंतखाबात के हवाले से समात रखी हुई है, और अहम बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात के हवाले से है वो मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने कतई तौर पर इमरान खान से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है, उसके बाद चीफ़ जस्टिस की पोजीशन अब क्या होगी वो 27 तारीख को पता चल जाएगी। लेकिन जो जमा इस्लामी के सरबरा हैं सिराज उल हक, उन्होंने जो है वो इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि फजल रहमान की जमहूरी आदमी है, जमहूरी आदमी को राज़ी करना या उसको किसी तरह से कायल करना जो है वो कोई मुश्किल बात नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान ने एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रबते की कोशिश की है। ईद के मौके के जानते हुए जो है वो उन्होंने सदर ममलकत आरिफ अलवी को कहा है कि वो किसी तरह उनका फ़ौजी की अदद से रबता करा दें, लेकिन इमरान खान को जो है वो उस वक्त एक मरतबा फिर ये पाँचवीं या छठी मरतबा मायूस हुई, क्योंकि फ़ौजी की अदद ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो किसी भी सियासी जमात से कोई ना रबता करेंगे ना मुलाकात करेंगे। जिनको मुलाकात करनी है, जिनको बात करनी है, वो हुकूमत से करे। अगर फ़ौजी की अदद से किसी को बात करने का शौक़ है तो वज़ीर आज़म हाउस आ जाएँ, वज़ीर आज़म की मौजूदगी में बात करें, ताकि फिर पता चले कि वो क्या चाहते हैं और उनका जो मकसद है वो क्या है। तो इस तरह इमरान खान को जो है इमरान खान को एक और मायूसी ये हुई है कि उन्होंने जो अहम तरीन रहनुमा थे, फवाद चौधरी था, हमाद अज़हर था या शाह महमूद कुरैशी है, इन सब को उन्होंने पंजाब असम्बली का कोई टिकट नहीं दिया। उन्होंने सारे नए लोगों को खड़ा किया। हाँ, एक बार तो एक बार ज़रूर किया कि उस्मान बोजदार को सूबाई हल्के का टिकट ज़रूर दिया है। इससे बात इससे एक जो है वो बात इसका इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि शायद एक मरतबा फिर उस्मान बोजदार को वज़ीर आला पंजाब को अहदा दिया जाए, क्योंकि इमरान खान जो है वो हमेशा एक यस मैन का और ऐसे बंदे का जो अपनी ज़ुबान ना रखता हो, जो बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाता रहो, वो उनके लिए काबिल कबूल है। वो जो है रहनुमा जो कुछ बोलता है, जो कुछ कहता है, या जिनमें कोई सेंस है, जिनमें कोई अक्ल है, अपनी सोच रखता है, वो इमरान को काबिल कबूल नहीं है। इसलिए पंजाब के सूबा इंतखाबात में उन्होंने जितनी टॉप लीडरशिप थी, जो आस लगाए बैठे थे, उन सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और किसी को भी पंजाब असम्बली का टिकट नहीं दिया। हालाँकि उन्होंने दरख्वास्तें भी दी थी, लेकिन इमरान ने उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। हाँ, परवेज़ जलाई को सूबा हल्के का टिकट दिया है, उसके बेटे मुनस जलाई को दिया है, बाकी जो अपनी टॉप लीडरशिप थी उन सबको पंजाब असम्बली का टिकट जारी नहीं किया। जिसके बाद एक जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है, और उस एहतजाज को इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया, बल्कि उसको उस पर उन्होंने कोई एक लफ्ज़ भी कोई बयान जारी नहीं किया। अब देखते हैं कि जो ये जो पीटीआई के अंदरूनी खलफशार है, अंदरूनी इख्तलाफात है, ये ऊंट किस करवट बैठता है। नदरिया थे हमारे आज के बिल्कुल हम आपको गुजारिश करते बेल आइकन के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले खबर मिल सके। शुक्रिया।